नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। ये है दुनिया की सबसे शुभ राशि। साल 2024 से साल 2050 तक सातवें आसमान पर रहेगा इन भाग्यशाली राशियों का भाग्य। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से 12 राशियों में से कुछ राशियां बहुत ही भाग्यशाली साबित होने वाली हैं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ इन राशि वालों पर बहुत अधिक प्रसन्न हो चुके हैं, जिससे अब इन राशि वालों के लिए साल 2024 से साल 2050 तक का समय बहुत ही अच्छा समय साबित होने वाला है। दोस्तों, इस समय में इन राशि वालों को भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी खुशखबरी, बड़े बड़े धन लाभ और बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है, जिससे अब इन राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, वो भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी है जिनको भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से साल 2024 से साल 2050 तक अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी खुशखबरियां, बड़े बड़े धन लाभ मिलने वाले हैं। ये राशि वाले अब धन से मालामाल होने वाले हैं। इन्हीं कुछ भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि यह वीडियो इन राशि वालों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनका भाग भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से साल 2024 से साल 2050 तक सातवें आसमान पर रहने वाला है, जिनका समय बहुत ही अच्छा समय होने वाला है। इस समय में ये राशि वाले धन से मालामाल होंगे। यूं कहें कि इस समय में इन राशि वालों का भाग्य सातवें आसमान पर रहेगा। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि व्यक्ति के जीवन में ग्रहों का काफी महत्व होता है। जब ग्रह की स्थिति बदलती है तो व्यक्ति के भाग्य भी बदलते हैं। अच्छा और बुरा, उनमें दोनों में यानी कुछ न कुछ परिणाम देखने को मिलता है। गौरतलब है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में ग्रहों की स्थिति अनुकूल हो तो उसके जीवन में सब कुछ अच्छा होता है। अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी ना हो तो व्यक्ति के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट सकता है। वही शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को इस पूरी सृष्टि का निर्माता कहा जाता है, देवों के देव महादेव कहा जाता है, भोले भंडारी कहा जाता है, कैलाशी कहा जाता है, शिव शंभु कहा जाता है। केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा भगवान शिव को यानी कि त्रिकालदर्शी भी कहा जाता है। यानी धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव का स्थान बेहद ऊंचा है। हालांकि भगवान शिव स्वभाव से जितने भोले भाले हैं उतने ही ज्यादा उन्हें क्रोध भी आता है, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि भगवान भोलेनाथ को खुश करना बेहद आसान है। जिस व्यक्ति पर एक बार भगवान भोलेनाथ की कृपा हो जाए, यकीनन उसका अच्छा समय आने से अब कोई नहीं रोक सकता। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, अब भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा कुछ राशियों पर पड़ने जा रही है और इन राशियों पर साल 2024 से साल 2050 तक पड़ने जा रही है। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी राशियों के बारे में बताएंगे जिनका भाग सातवें आसमान पर रहेगा और ये दुनिया की सबसे शुभ राशियों में से एक रहेंगी, जिन पर भगवान शिव की कृपा हो गई है, जिससे अब इन राशि वालों के लिए साल 2024 से साल 2050 तक का जो समय रहेगा बहुत ही अच्छा समय साबित होगा। इनका भाग्य अब उदय होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि भगवान शिव की कृपा से इन राशि वालों के जीवन में अब बड़ा परिवर्तन होने वाला है। इन राशि वालों के जीवन में खुशियां ही खुशियां प्राप्त होने वाली है। दोस्तों, इन खुश किस्मत राशियों के बारे में बात कर रहे हैं तो आइए जान लेते हैं कि आखिर वो कौन सी ऐसी राशियां हैं जो बहुत ही भाग्यशाली रहने वाली है और भाग्यशाली के साथ साथ इनका भाग सातवें आसमान पर रहेगा, जिनके लिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से साल 2024 से साल 2050 तक का समय बहुत ही बेहद शुभ रहेगा। दोस्तों, सबसे पहली और खुशनसीब और भाग्यशाली जो राशि आती है वो है यहाँ पर मेष राशि। बता दें कि मेष राशि के जातकों के लोगों के ऊपर इसमें बहुत ही भगवान भोलेनाथ की अपनी अपार कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं। बता दें कि इस समय में इन राशि वालों को धन लाभ होगा, बल्कि इनके व्यापार में खूब तरक्की होगी। व्यापार कर रहे हैं तो लोगों को आमदनी बढ़ेगी, बेरोजगार जातकों को रोजगार की प्राप्ति होगी, इनकम की बढ़ोतरी होगी, कई प्रमुख कार्य बनेंगे, अधूरे कार्य भी पूरे होंगे, धन संपत्ति का लाभ होगा, इनकम की बढ़ोतरी होगी। इसमें आपको समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। कुछ अधूरे कार्य भी पूरे होंगे, जो कार्य काफी दिनों से लंबित पड़े थे, पेंडिंग पड़े थे, उन्हें पूरा कर सकते हैं। व्यापार में आपको दुगना धन लाभ हो सकता है। बता दें कि इसमें आपको विदेश से भी धन लाभ होगा, विदेश से आमदनी बढ़ेगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अब आपकी किस्मत सातवें आसमान पर रहेगी। अगली भाग्यशाली खुशकिस्मतवान जो राशि रहेगी वो रहेगी सिंह राशि।
सिंह राशि के कतकों, अब आपका किस्मत सातवें आसमान पर रहेगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके घर में जो अवैध जातक है उनके विवाह के योग रिश्ते आएंगे। शुभ मांगलिक कार्यक्रम होंगे, धार्मिक कार्यक्रम होंगे। साथ ही कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय प्राप्त होगी। साथ ही आपके घर में संतान की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और बता दें कि सरकारी संगठन से लाभ होगा। प्रतियोगी परीक्षा में आपका जबरदस्त लाभ होगा। भगवान भोलेनाथ की आशीर्वाद से अब आपकी इनकम दुगनी हो सकती है। कोई भी कार्य अगर रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। कई प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त होती नजर आएगी। अगर इसमें कोई भी इनकम या कार्य रुका हुआ है तो निश्चित तौर पर वो पूरा होगा। इसमें आपको दुगने धन लाभ के साथ बड़े लाभ मिल सकते हैं। कई बड़े व्यापारियों को भी लाभ हो सकता है। अधूरे कार्यों को भी पूरा कर सकते हैं। मनचाही सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। लगातार आमदनी बढ़ेगी। कुछ मुश्किलों का अगर सामना कर रहे थे तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से दूर होगी। अब अगली भाग्यशाली राशि है दोस्तों, बता दें वो है यहाँ पर कन्या राशि। कन्या राशि को इनकम तेजी से बढ़ेगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। बता दें कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से इसमें नौकरी में उपलब्धि प्राप्त होगी। प्रमोशन के योग, सैलरी में वृद्धि होगी। नई जॉब मिलने की संभावना बन नजर आ रही है। और अगर अभी तक कोई कार्य रुका हुआ था, फंसा हुआ था, तो वो कार्य पूरा होगा। बता दें कि इसमें समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। व्यापार में दुगना धन लाभ होगा। साथ ही बता दें कि इसमें नृत्य साहित्य कला में आपको जबरदस्त सफलता प्राप्त होगी। और राजनीतिक क्षेत्रों में भी आपको लाभ होगा। इसमें आप अपने हुनर का प्रदर्शन कर पाएंगे। साल 2024 से साल 2050 तक जो समय रहेगा आपका सातवें आसमान पर रहेगा। नई उपलब्धि प्राप्त होगी, कामयाबी दस्तक देगी। भगवान शिव की कृपा से आपको कई प्रकार की इनकम प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। अभी तक अगर कोई कार नहीं बना तो वो कार बनेगा, तेजी से मुनाफा प्राप्त होगा। बता दें कि आप इसमें यानी कि अपने घरेलू जीवन में काफी व्यस्तता दिखाई देगी। घर परिवार में रुके हुए तमाम कार्य पूरे होंगे। बड़ी जिम्मेदारियां निभानी पड़ सकती है। अगली भाग्यशाली जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि को बता दें कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से साल 2024 से साल 2050 तक जो समय रहेगा बहुत ही अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। बता दें कि इसमें आप विरोधियों को मात दे पाएंगे। साथ ही प्रतिद्वंदियों को पीछे कर पाएंगे। भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। माता पिता का साथ मिलेगा। स्वास्थ्य में कोई दिक्कत चली आ रही थी तो स्वास्थ्य में लाभ होगा। इनकम बढ़ेगी। पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी। अगर इस समय कोई भी पहले से किसी काम में रुकावट चल रही थी तो वो रुकावटें दूर होंगी। बता दें कि इसमें आप के घर में यानी कि रिश्तों का महत्व ज़्यादा होगा। और घर में खुशियां दे होंगी। मांगलिक कार्यक्रम होंगे, धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन होगा। पहले से निवेश किए हुए हैं तो दुगना धन लाभ हो सकता है। साथ ही बता दें कि इसमें सहकर्मियों का साथ मिलेगा। बड़े अधिकारी का सपोर्ट प्राप्त होगा। घर परिवार में जमीन प्रॉपर्टी को चल रही समस्याएं दूर होंगी। तरक्की के योग बनेंगे। अनसुलझे मुद्दे सुलझेंगे। साल 2024 से साल 2050 तक समय आपके बहुत भाग्यशाली रहेगा। अगली जो खुशकिस्मत और भाग्यशाली राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि कतकों, भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब साल 2024 से साल 2050 तक का समय आपका बहुत ही शुभ रहेगा। इसमें जो भी निर्णय लेंगे, जो भी फैसला लेंगे वो सही साबित होगा। बता दें कि इसमें स्टूडेंट हैं तो विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और इसमें घर में एक नए संतान की प्राप्ति, जीवनसाथी का लाभ होगा। जीवनसाथी से संबंध मधुर, प्रेम जीवन में खुशियाँ। इसमें प्यार और रोमांस के फूल खिलेंगे मन में। साथ ही बता दें कि इसमें घर में खुशियां छाई रहेंगी। कई प्रकार के लाभ देखने को मिलेंगे। कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ होगा। बैंक से कोई लोन वगैरह मंजूर होगा जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। तो दोस्तों इन राशियों का भाग सातवें आसमान पर रहेगा। इसलिए तो कहा है कि ये है दुनिया की सबसे शुभ राशि। साल 2024 से साल 2050 तक इनका भाग सातवें आसमान पर रहेगा। तो कमेंट में लिख दीजिएगा हर हर महादेव। साथ ही साथ भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए कमेंट में जरूर लिखे। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हर हर महादेव।